हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एडवोकेट निशांत शेखर मिश्रा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर एक आरटीआई एप्लीकेशन लिखते कैसे हैं। तो दोस्तों, एक आरटीआई एप्लीकेशन लिखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जानना है जो अगर, तो वो ये है कि हर पब्लिक डिपार्टमेंट में या हर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज अथॉरिटीज़ में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त किया गया है सरकार के द्वारा, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो मांगी गई इंफॉर्मेशन को उस सिटीजन को प्रोवाइड करे। तो हम आखिर एप्लीकेशन लिखेंगे किसको? वी विल राइट आवर एप्लीकेशन टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ दैट डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट तय करना भी बहुत बड़ी चीज है। ऐसे तो आपको लगेगा कि ये बहुत आसान है कि अगर नाली के लिए पूछना है तो हम नगर निगम से पूछ लें, रोड के लिए पूछना है तो हम नगर निगम से पूछ लें, लेकिन इस चीज़ को अगर आप और कॉम्प्लेक्सिटीज में जाएंगे तो कई दफ़ा होता है कि डेवलपमेंट अगर किसी प्रोजेक्ट का हो रहा है तो आप डेवलपमेंट अथॉरिटी से पूछते हैं, ना कि अपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से। और कई दफ़े हम लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें इंफॉर्मेशन समय पर नहीं मिलती है। तो ये जान लें कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ दैट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही डिपार्टमेंट को वो लेटर नहीं भेजते हैं तो अल्टीमेटली सेक्शन 6 क्लॉज 1 राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत वो डिपार्टमेंट संबंधित डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन ट्रांसफ़र कर देगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको 30 दिन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन ना मिले। तो कोई भी ये आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने से पहले या आरटीआई एप्लीकेशन भेजने से पहले इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जिस डिपार्टमेंट से वो इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट सही हो। अब आते हैं कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होता है। तो बहुत ही आसान है, हम सबसे पहले डिपार्टमेंट के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एड्रेस करते हैं कि टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और उसके बाद हम डिपार्टमेंट की डिटेल्स लिखते हैं। अब मैं लखनऊ से हूँ तो अगर मेरे को सपोज लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से कोई इंफॉर्मेशन मांगनी है तो मैं साफ साफ लिखूंगा कि टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का एड्रेस अलॉन्ग विद द पिन कोड, ताकि सही पते पर वो एप्लीकेशन पहुँच जाए। इसके बाद सर ऑब्लिक मैम एंड देन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम साफ साफ लिख देंगे कि सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। यहाँ पे मैंने आरटीआई एक्ट लिख दिया है, लेकिन जनरली बेहतर ये होता है कि आप पूरा का पूरा लिखें सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। उसके बाद आप अपने बारे में बताते हैं कि आप हैं कौन। सपोज मी आई फाइल राइट अबाउट माई सेल्फ, तो मैं लिखूंगा कि आई निशान शेखर मिश्रा हु इज़ एन एडवोकेट, अपना एड्रेस लिखूंगा, अपना एज लिखूंगा, और उसके बाद मैं ये भी लिखूंगा कि दैट आई सीक इन्फॉर्मेशन अंडर द फॉलोइंग हेड्स। उसके बाद पॉइंटर्स बना करके 1, 2, 3, और जितने भी मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितने भी हेड्स के अंतर्गत मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, उन हेड्स को मैं प्रॉपरली कैटेगरिकली मेंशन करूंगा ताकि इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को कोई भी इन्फॉर्मेशन देने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि आपका क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। आप अपने क्वेश्चंस में ओपिनियन नहीं पूछेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स पूछेंगे, या फिर किसी भी पब्लिक सर्विस या किसी भी डेवलपमेंट के काम को अगर आप पूछ रहे हैं तो आपके क्वेश्चंस बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए। उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको ये जरूरी है कि आप अपने एप्लीकेशन में मेंशन करें कि आपने 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाया है और जिस पोस्टल ऑर्डर की डिटेल्स ये है। अब पोस्टल ऑर्डर की डिटेल्स क्या होती हैं दोस्तों? तो पोस्टल ऑर्डर पे ऊपर ही लिखा रहता है कि पोस्टल ऑर्डर नंबर है क्या। उस पोस्टल ऑर्डर में आपको एक रसीट भी मिलती है जिसको आप अपने पास रख लेते हैं, और पोस्टल ऑर्डर को आप उसी लिफाफे में, जिस लिफाफे में आप एप्लीकेशन भेज रहे हैं, आप चाहें तो उस एप्लीकेशन के साथ उस पोस्टल ऑर्डर को एनेक्स कर सकते हैं, संलग्न कर सकते हैं, स्टेपल कर सकते हैं, या फिर आप उस पोस्टल ऑर्डर को उसी लिफाफे में एप्लीकेशन के साथ डाल करके सही पते पर भेज सकते हैं। इस तरीके से आप एक आरटीआई एप्लीकेशन बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं और जो भी पब्लिक अथॉरिटी है वो बाउंड हो जाएगा कि आपको विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, विच इज 30 डेज, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। कोई भी और इंफॉर्मेशन चाहिए आपको आरटीआई की एप्लीकेशन को लेकर के तो कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।